के नीचे लगा के दीजिए। एक असद अकबर से नाराज है, ये दूसरों के खिलाफ गुलामत फैलाए, उसको कान के नीचे लगा के दीजिए। एक कंटा बंबई की जमान है, एक कंटा बहुत दिनों पहले एक बात मेरे कान तक पहुंची थी। किसी ने मुझसे ये कहा था कि बापू हुजूर असद अकबर से नाराज है। मैंने सोचा कि शान की गुस्ताखी तो नहीं की और ना ही मैंने हजरत के हवाले से कोई जुमला अदा किया, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि बापू हुजूर ने इस तरह की बात की। ये उमर यानी अफवाह जो है मेरे ताल्लुक से ये बात फैलाई गई कि बापू हुजूर जो है वो असद अकबर से नाराज है और उनके साथ जो है प्रोग्राम नहीं करना चाहते, यानी मेरे साथ। तो एक बात बता दो, कान कौन करके मैं सबसे ज्यादा रब चाहता हूँ तो अपने पीर मुर्शिद को चाहता हूँ, बेशक। इसलिए कि ये मुरीद का हक है कि वो अगर किसी को सबसे ज्यादा चाहे तो वो अपने मुरीद को चाहे, है ना, है ना। ये मुरीद का हक होता है मुरीद के हवाले से कि मुरीद अपने पीर को बेपनाह चाह, लेकिन किसी दूसरे पीर की शान से गुस्ताखी ना करे, बेशक बेशक। ये है, ये है। तो आप हजरात एक बात कान पकड़ करके सुन लीजिए कि जिस तरह से बापू हुजूर अहमियत के हामिल हैं, उसी तरह से जितने पीरे पिजनी पीर सुन्नी सही उल अकीदा पीर हैं, सारे सुन्नी सही उल अकीदा पीर हमारे लिए लायक एहतराम है, उनकी इज्जत हमारे लिए जरूरी है, उनकी तकलीफ हमारे लिए जरूरी है। और जो इस तरह की बात फैलाए के नीचे लगा के दीजिए। एक कंटा बंबई की जमान है, एक कंटा बोलो कि तुमको ये किसी ने हक दिया कि दूसरों के खिलाफ गुलामत फैलाए, दूसरों के खिलाफ ना तरह की बकवास करे। तो आइंदा से कोई भी ऐसी बात करे तो उसका क्या हाल धारा है वो आप जान सकते हैं। जब तक कि कोई बात तहकीक न कर ली जाए वो बात बात लोगों तक पहुंचाई जाए। मैंने ये जरूरी समझा कि अपने हवाले से बात आप तक पहुंचा दूं और मैं दुआ करूं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला खानकाहे समर संगिया के फयूज व बरकात का ता कयामत कयामत जारी और सारी रखे। आमीन बोल दीजिए, आमीन। जिस तरह से खानकाहे समर संगिया के फयूज व बरकात हासिल करें, उसी तरह से हम तमाम बुजुर्गान दीन के फयूज व बरकात हासिल करें, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करें, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करें। माइक पर चिराग जलाने जलने के लिए आ रहे हैं या बुझाने के लिए आ रहे हैं, ये वो जाने आपका काम करने का। अस्सलाम वालेकुम।